हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक है, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब हॉस्टल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को और जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसकी वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अपने चैनल पर नए हैं अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। और जो कॉलेज वो अवधूत महिला महाविद्यालय कोही भोजापुर भोजापुर डिस्ट्रिक्ट नागपुर से निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है, साथ ही साथ नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर रखी, नेचर ऑफ पोस्ट, नेचर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स, मराठी, इंग्लिश, तो मोस्टली आलबो जितने भी सब्जेक्ट हैं चाहे वो साइंस के हों चाहे आर्ट्स के हों, सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया। देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी भी मेंशन कर रखी है और ये जो सारी पोस्ट है ये फुल टाइम पोस्ट है, मीन्स रेगुलर पोस्ट है, ठीक है। तो आप इसके लिए जो है इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्केल की, तो यहाँ पे स्केल आपको एज पर यूजीसी स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आपका यहाँ मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड में, या आपका जो है कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा आपका सीएसआई यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो आपका क्लियर होना चाहिए, या आपका जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका क्लियर हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने 2009 से पहले पीएचडी में इनरोलमेंट लिया है, रजिस्टर किया है, तो आपको आपका पीएचडी डिग्री जो रेगुलर मोड में होना चाहिए, एटलीस्ट टू एग्जामिनर्स ने आपके थीसिस को क्रेडिट किया होना चाहिए, आपका ओपन पीएचडी बाय वॉइस होना हो चाहिए, और आपका एटलीस्ट एक रिफर आर्टिकल जो है रिसर्च आर्टिकल आपके पीएचडी वर्क से होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अपना पीएचडी अब्रॉड से किया है, तो आपका यूनिवर्सिटी जो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आना चाहिए। तो ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग या आपकी क्यूएस दा या एआरडब्ल्यूयू में अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है जहाँ से आपने पीएचडी किया, तो आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप SC ST या डिफरेंसली एबल्ड है, फिजिकली हैंडीकैप है, विजुअली डिफरेंसली एबल्ड है, तो आपको यहाँ 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा मास्टर लेवल्स पे और ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन की कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको अपना एक प्लेन पेपर या प्रेस्क्राइब परफॉर्मा होगा, उस पर आपको अपना जो CV है या बोले जो बायोडाटा है, अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू अटैच योर लाइक टेस्टिमोनियल्स और सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद योर लाइक नेट सर्टिफिकेट, गेट सर्टिफिकेट, वॉट एवर यू हैव यू कैन अप्लाई, यू कैन ऐड, एंड देन यू हैव टू सेंड इट टू द फॉलोइंग एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर रखा है, प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर अवधूत महिला महाविद्यालय कुही, प्लॉट नंबर 115, मौजा भोजापुर, कुही अकोली रोड, डाल कुही, डिस्ट्रिक्ट नागपुर 441202। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन के साथ अपने सारे टेस्टिमोनियल्स जो है वो सेंड कर देने हैं, और लास्ट डेट है वो सेंड करने की वो है 12 जुलाई 2021। तो 12 जुलाई 2021 से पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद योर CV और एप्लीकेशन ये पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस पे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।